बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। भाई आज क्या है? आज वेंसडेज है, 30 नवंबर और महीने की आखिरी तारीखें हैं। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स को बार बार चेक करना शुरू हो चुके हैं कि तनख्वाह आई है कि नहीं आई है। तनख्वाह नहीं है, कितने रह गए, कितने रह के गए? 30 तारीख को कौन से रह जाते? थोड़े से 20 को खत्म हो जाते हैं, 20 के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉबियंस। आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी कीजिए। पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पे कुछ अच्छे नहीं है, अगरचे कि कल वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बरवक फैसलों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि गवर्नेंस के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाए और ये काम तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कर रही है, मेनली जो कि पंजाब एंड लाहौर के अंदर खास तौर पे है। जी, ट्रैफिक पुलिस अब वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2000 रुपए का चलान करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज करवाएगी। ये लाहौर में होगा, ये लाहौर में होगा, आधा लाहौर अंदर होगा, अंदर होगा। जो हजरात नाजरीन सब इधर उधर जाते ना रॉन्ग वे, चले शॉर्टकट मार के घूम के आ जाता हूँ, घूमे बगैर यहीं से सीधा निकल जाता हूँ, आप सब पे चलान तो होगा लेकिन साथ साथ मुकदमा भी होगा। उसके अलावा हेलमेट के खिलाफ क्रैकडाउन, मॉल रोड पर एक बार फिर जो हेलमेट है वो मोटरसाइकिल सवारों की शामत कहने आ गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 5 दिसंबर से शहर भर में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का दाखिला भी बंद किया जा रहा है, जबकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के 200-500 की बजाय अब 2000 रुपए जुर्माने भी किए जा रहे हैं। और जो डिजिटल चलानिंग बंद हो गई थी, चलान अब वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो ट्रैफिक पुलिस आपको बहुत मुतहरिक नजर आ रही है और हमने भी चूंकि देखा था ट्रैफिक पुलिस को आज सुबह मैंने आते का खैर है आज रोज में बहुत सारे वार्डन्स खड़े हुए, क्या वजह है? तो यही वजह थी कि आप शामत आ गए। जी बिल्कुल, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए। वो लोग जो बगैर लाइसेंस के ड्राइव करते हैं अपने लाइसेंसेस बनवा लें और रॉन्ग वेज को अवॉइड करें, सिग्नल्स मत तोड़ें। ये सारी एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में जो आपको करनी चाहिए। और अलमा सर, आई डोंट नो व्हाई आर यू स्माइलिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम बात अपनी आगे नहीं बढ़ते हुए इधर रहते हुए तो बात बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उन पर ट्रैफिक रूल्स को अप्लाई किया जा रहा है तो ये उनके ऊपर सख्ती की जा रही है। भाई ये आपके लिए बेहतर है। अब जैसे मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ और मोटरवे पुलिस मेरा चालान करती है तो वो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि सर ये आपकी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, तो वाकई भाई मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। और जो हेलमेट का मामला है उसमें तो मैं खुद बहुत ज्यादा कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज के अंदर ट्रैवल करते हैं बाइक्स के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें क्योंकि बाइक इटसेल्फ एक बड़ी खतरनाक सवारी हम समझते हैं। ऑब्वियसली लोगों के पास जितने रिसोर्स वो अफोर्ड करते हैं, बट उसमें आप हेलमेट का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ चोट लगे तो आपका सर ऑब्वियसली इतनी मेजर चोट जब सर पे लग सकती है तो इसको आप चले जी। ये अच्छा इकदाम है, हम सराहते हैं हुकूमत पंजाब को भी और गुड लक कहते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस को चूंकि बड़े चैलेंज। और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि सिर्फ बाइक वालों को तंग ना किया करें, साथ जो दूसरे गाड़ियों वाले इनको भी किया करें, गाड़ियों वालों को भी तंग किया करें। पहली बात में आप अच्छा आगे बढ़ते हैं। और कल बड़ा अहम दिन था, हमने इसको कवर भी किया, फिर हम चले गए तो बाद में भी आप देखते रहे हमारे बुलेटिन के अंदर। नया आर्मी चीफ आ गए पाकिस्तान में, एक ऐसा अंदाज से और पुरम तरीके से ये अमल तय पाया, बहुत ही पुरवकार तकरीब थी। और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त हम अगर कहें दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के सरबराह बन गए हैं, अब तो गलत नहीं होगा। बड़े चैलेंजेस जनरल आसिम के सामने मौजूद हैं, उनके करियर को देखते हुए बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं और लोग उनके लिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं। वी होप कि कल से जब उनका ये करियर 3 साल का एज आर्मी चीफ स्टार्ट हुआ है अब तो इसमें भी बहुत अच्छे फैसले करें और पॉजिटिव असर हो उनकी आमद का पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, इसके साथ आगे बढ़ने हैं। और हमने चूंकि फीफा वर्ल्ड कप पे भी बात करनी है, शो में एज यूजुअल बहुत कुछ है, लेकिन आगाज में हम इलेक्शन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस तरह से स्ट्रैटेजी बना रही है, सूबाई असम्बलियों की कुर्बानी देने को वो तैयार हो गए, इस पे भी बात करेंगे और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज की बड़ी खबर अच्छा जी, जैसा कि हमने कहा कि बड़े अहसन और बेहतरीन तरीके से अमल सरंजाम पाया और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के सिपा सालार बन चुके हैं। स्टिक ऑफ कमान उनके पास आ गई है, वो 17वें सिपा सालार हैं, आर्मी चीफ हैं। ये कमान तो तब्दील हो गई लेकिन इलेक्शन की घड़ी जो है ना वो तब्दील होने का नाम नहीं लिया। एक तो पता नहीं घड़ी जब भी मेरे जहन में आता है तो अजीबो गरीब बातें मेरे जहन में आने लगती हैं। पाकिस्तानी सियासत में पहले घोड़े होते थे, फिर मुरब्बे होते थे, यू नो आप घड़ियां हैं, समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे। खैर सड़कों की सियासत ड्राइंग रूम्स में पहुंच गई है और ड्राइंग रूम्स की बातें सड़कों पे आ गई हैं। इमरान खान असेंबलियों से निकलने के फैसले के बावजूद इस वक्त जो अपनी हुकूमत है, उस हुकूमत जो मरकजी हुकूमत है वो अपने मौके पर डटी हुई है और यह ऐलान कर रही है कि हाल ही में जो अपनी मुद्दत है वो पूरी की जाएगी। साथ साथ अगर सूबाई असेंबलियाँ पहली बात है बचाने की कोशिश की जाएगी और अगर टूट गई असेंबलियाँ तो ये भी कह रही है नून लीग के सो के हम इलेक्शन करवा देंगे। खास तौर पर पंजाब में एक बार फिर सियासत को कह लें उसका मरकज बना हुआ है। सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर में मौजूद हैं, सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से सीनियर करादे और कानूनी माहरीन से भी राय ली जा रही है। जबकि इमरान खान साहब ने जुमे को खैबर पख्तूनख्वा और हफ्ते को पंजाब के पार्लिमानी इजलास भी बुला लिए हैं और आइंदा हफ्ते में वो किसी भी दिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहाद सूबाई असम्बलियाँ बचाने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। मुफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी और लंदन में बैठे नवाज शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भरपूर मुशावरत की जा रही है और हर हरबा इस्तेमाल करने का ऐलान किया जा रहा है। पंजाब असेंबली बचाने की जिम्मेदारी हमजा शहबाज के कंधों पर डाल दी गई है। कंधों पे कहते हैं, सॉरी, लेकिन असेंबलियां तोड़ने और बचाने के लिए दोनों कैंप्स में जो कंफ्यूजन है वो पाई जा रही है। असेंबलियां तोड़ने से मुतालिक पीटीआई इंतहाई मोहतात दिखाई दे रही है, जबकि कहीं ये सियासत चल रही है कि कहीं ये सियासत जो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है उल्टी ना पड़ जाए। कोई जज्बाती फैसला करने की बजाय मुसलसल सोच विचार की जा रही है और करनी भी चाहिए। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। असद कैसर साहब कहते हैं कि हमने सोच समझ कर शतरंज की चाल चलनी है, टेंशन लेनी नहीं, टेंशन देनी है। बड़ी टेंशन है सर हमें आप पर, क्यों और टेंशन देने पे आ गए। असद से टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छा जी, हुक्मरान इत्तेहाद परेशानी का शिकार भी है, स्ट्रैटेजी भी बना रहा है और कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन थोड़ी है। अब इसकी वजह से कानूनी और आइनी मामला में भी बड़ी रुकावट है। समझ नहीं आ रही कि पंजाब असेंबली को कैसे बचाया जाए। ये नून लीग और अपोजिशन की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। खैर इस वक्त हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है और बड़े दिनों के बाद आमिर साहब से हमारी मुलाकात हुई। आमिर साहब आप हमारे शो में नहीं आए, पता नहीं पीछे से क्या क्या हो गया और आपसे हमारी बदल गए, सियासत कहाँ चली गई, बदल गए, जिंदगी बदल गई, ये कहना चाहिए। आप कैसे हैं आमिर भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह के शुक्र। बात ये कि आप लोगों की तरह चापो चौबंद होना सुबह ही सुबह ना बड़ा एक बहादुरी के साथ। सर थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में कुछ सवाल अब रह नहीं गए, हमने इतने सवाल इस सूरत हाल पे कर लिए हैं। अब हम कहाँ पहुंचे हैं सियासी तौर पर और कहाँ जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए सबसे अहम जो आपने शुरुआत में बात की कि नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब और बहुत ज्यादा उनसे तवक्कुआत हैं और पहली तवक्को यही है कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपना उसको रिजॉल्व कराने में अपना किरदार अदा करे। वो कि वाकई अब ये फौज ने जो ऐलान किया है कि वो गैर सियासी हो गए हैं, गैर जानिबदार हो गए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन अगर मुल्क के इस्तेकाम के लिए एक मजबूत किरदार, वैसा किरदार कि जिसका मकसद ये नहीं होता कि आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, सिविलियन के इख्तियारात सर्व करें, ये नहीं हो रहा, बल्कि इस क्राइसिस को, बुरहान से निपटने के, जो पाकिस्तान फंसा हुआ है गुज़श्ता 6-7 माह से, बल्कि मैं फरवरी से कहूँगा, जनवरी से कहूँगा, उसको खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। तो ये मेरे ख्याल में उनको सेटलिंग इनका पीरियड जो होता है ना, ह्यूमन हनीमून पीरियड होता है, आप मतलब आराम से बैठते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, विजिट करते हैं तमाम कोर्स के, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनकी मेज पे जो सबसे बड़ा आइटम होगा वो यही होगा जिसको उन्हें वॉर फुटिंग पर जो है हल करना है। क्योंकि देखिए अगर मुल्क में मैशियत को मजबूत करना है, मुल्क के दिफा को मजबूत करना है और मुल्क की खारजा पॉलिसी के चैलेंज से निपटना है, तो उसकी पहली शर्त जो होती है वो यही होती है कि आपका जो है दिफा, आपके जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। जब तक वो नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में लोगों की तवक्को, हम सब की तवक्को यही होगी कि पाकिस्तान आर्मी एक स्टेबिलिटी का किरदार अदा करे और जल्द करे, देर ना करे। एक तो ये बात होगी, ठीक हो गया आमिर साहब। दूसरी जानिब ये जो पीटीआई असेंबलियां तोड़ने के हवाले से इमरान खान साहब ने ऐलान किया और इस पर अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी एक शॉक तो मिला है उनको डेफिनेटली, क्योंकि वो इस तरह का सरप्राइज जो कह लें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पर अब ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे? असेंबलियां तोड़ने के बाद जो ये स्ट्रैटेजी, तोड़ने की जो स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की तरफ से है, आपको लगता है कि जो कार्ड उन्होंने खेला है इससे मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम मिल सकता है और उस पर वो क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएंगे? मतलब पहली बात तो ये कि लोग तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान धरने की और एहतजाज की सियासत की तरफ जाएंगे ना, इमरान खान ने बड़ा एक, मैं समझता हूँ गो कि उनके मुखालफिन उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है बड़ा तदब्बुर का, सियासी बालिग़ुल नज़री का सबूत दिया कि पाकिस्तान जो है मजीद इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पहले ही बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा मैं एक जमहूरी तरीके से मैं बाहर आ जाता हूँ, इस सिस्टम से बाहर आ जाता हूँ। इसमें यकीनन बहुत ज्यादा रिस्क भी है, ऐसा आसान फैसला नहीं है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। पंजाब में बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि तादी इनके वजीर आला है, उन पर बहुत दबाव होगा, बहुत ज्यादा लेन देन होगी, लेकिन लेट्स होप कि अगर वो ये काम कर लेते, फर्ज करें कि उन्होंने ये काम कर दिया और दोनों असम्बलियां तब्दील हो गई, तो फायदा पीटीआई को ये होगा कि जनाब अब ये दोनों जब इंतखाबात होंगी, दोनों असम्बली जो है अगले 5 साल के लिए होंगी, तो जब नए जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो सब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी प्रोविंसेस में, खुद पीटीआई की हुकूमत होगी। क्योंकि जो लेकिन ज़िया साहब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने पहले मुनासिब नहीं समझा कि वो अपने अकाबरीन खासतौर पर तादी हुकूमत, खासतौर पर वजीर आला पंजाब के, उनसे मशवरा कर लें इतना बड़ा ऐलान करने से पहले? जो अब तहरीक इंसाफ इस पर सोच रही है कि अब ये शतरंज की चाल है, कैसे कैसे चलें, आपके ख्याल में ये एक इंडिविजुअल डिसीजन था जो कि लगा ऐसे कि इंडिविजुअल डिसीजन था, और फिर इमरान खान साहब ने यह कहकर कि हम तमाम असम्बलियां तोड़ रहे हैं, फिर कहा कि हम इस पर मुशावरत करने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये इंडिविजुअल फैसला था, इससे पहले पार्टी से डिस्कशन की ही नहीं इमरान खान साहब ने? इमरान साहब दो होते हैं, मतलब जब भी कोई फैसला होता है ना सियासत में, वो तना नहीं होता। अच्छा, उसके भी मतलब 2 लेवल्स होते हैं फैसला करने के। एक फैसला होता है बड़ी अपनी कोर 2, 4, 5 लोगों के साथ करते हैं, जो भी इनका बुनियादी सेल होगा, तो मेरे ख्याल में वहां पर तो बहुत सोच विचार की गई होगी छोटे छोटे सेल के अंदर, जो इमरान खान की किचन कैबिनेट है। फिर उस फैसले को ज्यादा बड़े उसमें हल्के में लाया जाता है। दुनिया भर में सियासत में आप जब भी देखें यही तरीके वारदात होता है। तो इमरान खान ने, मैं नहीं समझता कि तना फैसला, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी और आईनी पहलू हैं, उन्होंने यकीनन डिस्कस किया होगा माहिरीन के साथ, लेकिन फिर उस फैसले को लेकर पार्लियामेंटेरियंस में जाना, उसको बड़े हल्के में डिस्कस करना, तो ये दूसरे मरहले की मेरे ख्याल में उन्होंने बात की। जाहिर है कि तकरीर में जब आप करते हैं उतना वजाहत बात नहीं करते, लेकिन जो हमने पॉलिटिक्स को कवर किया है और जो हम समझते हैं उसमें तरीका यही होता है। और इसमें एक और बात भी है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मशवरा करना है, बल्कि आपने जो है दीगर स्टेक होल्डर्स को टाइम भी दिया है कि हो सकता है कि भाई आप राब्ता करें, आप बातचीत करें, तो कोई और राह निकाली जाए। तो मेरे ख्याल में वो भी एक तरह के आप टाइम खुद भी लेते हैं और दूसरों को देते भी हैं, तो ये दोनों फैसले के मोहरिकात हैं, ये हैं। जी, ठीक हो गया। आमिर ज़िया साहब, अब आप आगे मुल्की सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आपने खुद भी कहा कि अब ये बड़ा एक अच्छा फैसला आपके मुताबिक इमरान खान साहब ने किया है और बड़े तदब्बर के साथ, और इन चीज़ों को बड़ी सोच समझ के जो उन्होंने ऐलान किया है। आइंदा अब जो हफ्ते में इम्कान है कि किस तरह से वो आगे असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से जो मुशावरत का उन्होंने इजलास बुलाए हैं, आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा फैसला होगा कि इस स्ट्रैटेजी के बाद जो जनरल इलेक्शन है वो हो पाएंगे, या हुकूमत उस जाने थोड़ा फ्लेक्सिबल होगी जनरल इलेक्शन को लेके? देखिए, 2 सूरतें हो सकती है कि इमरान खान जो है अपने इस पूरे जो फैसला किया उसके हिसाब से अमल दरामद करें, तो उनको मेरे ख्याल में अगर 2 असम्बलीज में इलेक्शन होते हुए जो उनकी मकबूलियत की लहर हम क्या सराई कर सकते हैं कि वो जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो बात आती है हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए क्या करती है, भी पर्दे राज में है, ये बात हमें नहीं पता। लेकिन तीसरी बात है कि जो मैंने शुरू में बात की थी और आपके बयानिए में भी था, पाक फौज में जो तब्दीली आई उसके बाद क्या कोई मतलब है कि वो इस तरह का किरदार अदा करते हैं कि जिसमें कोई बीच की राह निकाली जा सके, कोई मिडिल ग्राउंड आए। मेरे ख्याल में तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं तो। और मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टिव तरीके से जो है आप देखिएगा कि बातचीत भी कहीं अच्छा, होनी चाहिए। जैसा कल हमने, आप भी चूंकि ट्विटर पे एक्टिव हैं और सभी सहाफ़ी तकरीबन, कल हमने देखा बड़े खतरनाक, कुछ हद तक शर्मनाक भी ट्रेंड चलाए गए हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ। मुझे देख के अफसोस हुआ। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की फ़ौज को उन्होंने सर्व किया, 6 इयर्स किया, उसमें उन्होंने गलतियां भी की होंगी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी किए होंगे, लेकिन कल जिस तरह के, और अभी भी वो टॉप ट्रेंड्स मौजूद हैं इस वक्त भी, और वो तहरीक इंसाफ चला रही थी, उसके सपोर्टर्स चला रहे थे, हम ये देख रहे थे। एक तो ये कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उनके लिए क्या दर्स है ये कल की सूरत हाल को देखते हुए, और क्या आप समझते हैं कि ऐसे ट्रेंड्स ठीक है, इससे फायदा होगा आने वाले वक्त में हमारे इदारों को या हमारी सियासत को, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, कैसे देखते हैं आप? इमरान, बहुत अहम सवाल है। पहले मैं समझता हूँ कि पीटीआई को और ये पीटीआई की जो क़यादत है उसको इदारों के साथ जो है तसादुम से गुरेज करना होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट होती है। लेकिन सिर्फ उनके अपने मफाद में नहीं, मैं कोई इसमें नहीं कह रहा कि जी आप सियासी मौका परस्ती के लिए काम करें। दूसरी बात ये होती कि आप जो अपनी जो साझेदार हैं उनको मुतनाज़ा नहीं बनाते और उसमें भी एक इख्तलाफ रखने का तरीका इख्तियार होता है। तो यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे नादार होते हैं किसी पार्टी के, क्योंकि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। एक होता है आला क़यादत का फैसला, एक होता है कि जी उनके जो आम सपोर्ट बेस है या वो लोग जो है वो रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर वो रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है और एक बड़ा मनफी अमल है काबिल मुजम्मत, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखिए एक तरह का वो उसमें बड़ी अच्छी बातें भी हो रही होती है और उसमें बड़ी मनफी बातें भी हो रही होती है, बड़ी जहरीली बातें भी होती हैं। जो मैंने ट्वीट किया कल ही मैंने ट्वीट किया था दिन में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सियासत की जहरीलेपन से बहुत परेशान हैं और आप मतलब है बड़ा मतलब बुरी खबरें बहुत आपको बुरी लग रही हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने सफी के नॉवेल पढ़ लें। तो अपने आप ऐसा वो एक आपने पता नहीं नाम सुना होगा, यकीनन सुना होगा, बड़े हमारे मारूफ जासूसी के किताबों के लिखने वाले थे। जी जी बिल्कुल। अब हमारी इतनी तलखी हो गई है कि हम लोग गालम गलोच से नीचे उतरते ही नहीं है। बिल्कुल आप इख्तलाफ होगा, लेकिन आप मतलब है हम साफियों में आपस में होते इख्तलाफ, लेकिन आप देखिए हम लोग कर रहे होते एक दूसरे से। लेकिन जो एक आम आदमी होता है आप समझिए कि जो थड़े की बात हो रही होती है वो बाज़ाबा सोशल मीडिया पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी हमारा। और इसमें अनफॉर्चुनेट ये भी था, आपने अगर नोटिस किया हो तो कुछ रहनुमा इसको वो भी हवा देते हैं, इंडोर्स कर रहे होते हैं दबे अल्फाज के अंदर भी और कुछ तो खुले अल्फाज के अंदर भी। तो यकीनी तौर पे जैसा कि आपने कहा कि ये रवैया दुरुस्त नहीं, सियासतदानों को भी इस पे गौर करने की जरूरत है। आमिर ज़िया साहब, इन द एंड आप अपनी पिछली बात में कह रहे थे कि फौज जो है अगर ये जो मामला चल रहे हैं सियासत के अंदर, अगर इसमें कोई नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उससे शायद हवा का रुख बदलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन हमने फॉर्मर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स भी देखी और उन्होंने जब आखिरी दौरे किए उसमें कुछ बातें भी की कि हम सियासत से मुकम्मल दूरी का जो कहने उन्होंने ऐलान भी किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी इस तरह की कोई कैओस की सिचुएशन होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को इंटरव्यून करके इन चीज़ों को बेहतर करना होता है। आप जब फौज का ये स्टांस है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि सियासतदान आपस में खुद इतना इनमें करेज है या इतनी जो कह लें विजडम है कि बैठे टेबल पे बैठ के बात करें एस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर? नहीं देखिए, अगर जो मैंने शुरू में बात की ना, पहले जो बात थी वो ये थी कि लोग फौज की तरफ क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान है ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर अपने मसलों को सुलझाने में कामयाब हुए हैं, तो फिर अब कोई चारे कार्ड नहीं रहता। फौज की बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि हम गैर सियासी हैं, बिल्कुल हों, और कोई नहीं कहता कि आप आके इख्तियार पर कब्जा करें, लेकिन ये कौमी सालमियत का मसला है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा ना दिफा मजबूत है, ना आपकी मैशत मजबूत है, ना आपके खारजा ताल्लुकात आप निपटा सकते हैं। तो फौज को एक मजबूत इंटरवेंशन करनी पड़ेगी और ये अगर नहीं करते और चीजों को इसी तरह से स्लाइड होती रहती हैं फिर तो बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल देखिए। जैसा वो मजबूत इंटरवेंशन क्या हो सकती है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, दोबारा कहिए इमरान। ये मजबूत इंटरवेंशन का जो आपने टर्म यूज किया है आपके ख्याल में वो क्या हो सकती है, हाउ दे कैन लाइक पॉजिटिवली इंटरवीन? मजबूत इंटरवेंशन ये हो सकती है इमरान साहब कि वो कवर्ड तरीके से या तो एक सबके सामने या कवर्ड तरीके से राब्ता करें, दोनों फरीकों से उनको कायल करें, किसी कोई फॉर्मूला लेके जाए, उस फॉर्मूले पर कायल करें, फिर साथ बिठाएं और मसले को हल कराएं। उसमें कबल वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, अगर नहीं हो रहे तो इमरान खान को उसके बदले में आप क्या देंगे, किस तरह से उनके मुतालबात को आप वो करेंगे। तो ये तो फिर आमिर ज़िया साहब रोल सियासी हो गया ना, ये तो फौज पहले भी यही कर रही थी, पहले भी तो इसी तरीके से पैगाम आता था, मुलाकातें होती थी, यही तो इंटरवेंशन थी। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये इंटरवेंशन उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि कौमी सालमियत का मसला है। अगर फौज बिल्कुल अलग होकर बैठी रहती है, मैशत की हालत है, कल कुछ जांच हो जाए, कल कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू हो जाए तो अच्छा नहीं है। यानी जहाँ मुल्क की सालमियत का मामला है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट या फौज को इंटरवीन करना चाहिए और ये जरूरी भी है मुल्क की सालमियत के लिए। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके और अब हम आपको खिलाएंगे सुबह ज़हनी फरियाल खिलाएंगे आपको सुबह सुबह कश्मीरी हरी सा। देखते हैं आज का सेगमेंट देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आई हूँ निस्बत रोड पे, जहाँ पर है कश्मीरी हरीसा वाले, जो कि तकरीबन 35 साल से यहाँ पर हरीसा बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको हरीसा खिलाने से पहले इसकी बताऊंगी हिस्ट्री। नाजरीन, हरीसा सबसे पहले मिडल ईस्ट में एक मुसलमान शेफ ने बनाया था। पाकिस्तान में सबसे पहले कश्मीर में हरीसा बनाया जाने लगा। जब हरीसा यहाँ पर बनता था तो वो दुम्बे के गोश्त से और बीफ से बनाया जाता था, लेकिन जब लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई तो लोग चिकन में भी इसको बनाने लग गए। अच्छा, अब लोग अक्सर ये समझते हैं कि हलीम और हरीसा दोनों की तासीर और रेसिपी सेम है, लेकिन इनकी जो तासीर है वो अलग अलग है और रेसिपी भी, क्योंकि जो हरीसा है वो सर्दियों की सौगात है, लेकिन आप हलीम किसी भी मौसम में खा सकते हैं। आए चलकर देखते हैं कि कितनी किस्म का हरीसा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको टाइम मिल गया यहाँ आने का? बिल्कुल मिल गया, बहुत भूख लगी हुई, निकल ले। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोहम्मद अली साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था। कितना अर्सा हो गया इस काम को? इधर हमें 30 साल हो गए मेन रोड पे। इससे पहले हमारी ग्वाल मंडी में दुकान थी। मियाँ साहब दसो किन्नी तरह का हरीसा बनाते, किन्ने फ्लेवर ने? ये 3 तरह का होता है, चिकन, मटन और बीफ। जो इसमें मसाला डाले जाते हैं तो वो आप खुद बनवा के लेके आते हैं? ये खुद ही घर में तैयार किए जाते हैं, इसके खास मसाला जात होते हैं। अच्छा, अमृतसरी हरीसा और कश्मीरी हरीसा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें जी टेस्ट का भी फ़र्क है, उनकी अपनी रेसिपी है, हमारी अपनी रेसिपी है। और फरियाल अमृतसरी हरीसा और कश्मीरी हरीसे में कोई फ़र्क नहीं है। कश्मीर के अंदर ही अमृतसर है, अमृतसर कोई हाल है ना जगह? अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत फर्क है टेस्ट में और रेसिपी में, बहुत फर्क है। साल के किन महीनों में आपका ज़्यादा इधर बर्डन रहता है? गाँव का सीज़न है, सर्दियों का। सर्दियों का सीज़न है जी। तो हरीसे को जो तड़का लगाया जाता है तो वो किसका लगाया जाता है? ये देसी घी का लगाया जाता है, अदरक का और साथ पालक का। मैंने सुना है कि हरीसा बनाना एक बहुत बड़ी खेचल है, बंदा थक जाता है, कई उनसे खलियाँ पै जाती हैं हरीसा बनाते वक्त। हमारे मेरी वालदा बनाती थी तो वो मेरी खाला को और मतलब अब दूसरी बहनों को घर बुलाती थी कि आज हरीसा बनाना है, मेरे नाल लगो। वाकई इन्ना ही खिला रहा है, इन्ना ही वक्त है जी। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको 5 से 6 घंटे घोटा लगता है। ये लड़के हमारे पास हैं, ये घोटा लगाते हैं, पीछे घोटा भी पड़े हैं हमारे, तो काफ़ी मेहनत का है। कितने अरसे से आप ये कश्मीरी हरीसा खा रहे हैं? ये हम पिछले 3 साल से खा रहे हैं जी, ये हमारा 4था साल है। तो हम इन्हीं से आगे लेते हैं, यहीं पे खाते हैं आके। यहाँ पर और भी हरीसा की बड़ी दुकानें, तो बल्कि हरीसा स्ट्रीट ही बन गई है जी। ऐसे ही है, आपने इनको सबका चखा हुआ कि इन्हीं के पास रुकते हैं? तकरीबन सबको खा लिया हुआ हमने, स्टैंड आपने यहाँ पे आके फाइनल कर दिया। वाह वाह वाह। हम मटन की 1 प्लेट लिए हमने और 1 बीफ की लिए जी। अच्छा, तो टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, तो इसलिए आज फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने आए। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। I would recommend के और लोग भी आए जो ये देखें। और भी हरीसा की जो है रेस्टोरेंट है, तो आप कश्मीरी हरीसा ही क्यों खाने आए? दरअसल इसकी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी कि यार ये बहुत अच्छा है ना, तो बाकी इनका टेस्ट जो है वो दूसरों से बहुत ज़बरदस्त है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम हयात अली अंजुम है जी। हयात भाई, हरीसा खाने आए? हाँ सर, मैंने कल पे खाया, लगे साजी भी साथ थे, इतना खुश होकर हमने खाया है और अपनी लाइफ में पहली मरतबा ऐसा रिजल्ट मैंने देखा। कल खाया और आज आप दोबारा आ गए? आज मैं अपनी वाइफ के लिए लेने आया। टेस्ट करें, व्हाट्सएप टेस्ट करें। ये अभी लैब में जा रहे हैं ना, हाँ। अभी रिपोर्ट आती है इसकी, कोरोना की रिपोर्ट ना आ जाए। ना ना ना, वाला मकाम है बंदे सानू कड़ी शह भी चंगी लगती है, तो फिर मदद आ दे। अच्छा, भट्टों के बारे में ये मशहूर है कि वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ऐसी क्या बात है? ये जेनेटिक है उनमें, जहाँ पर खाने का नाम आता है वहाँ पर भट्टों का नाम तो जरूर आता है। बिल्कुल आना चाहिए। हमने तो तली पे कमाया और गली में जाकर खाया। अच्छा, यानी जोड़ना नहीं, बस खाना है। पर यार कितने साल हो गए हैं फूड सेगमेंट करते हुए? मुझे 3 साल हो गए हैं। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लगता मुझे। आपकी तरह ना मैं खाना खा के बैठती नहीं हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ साथ में। ओके ओके। यार कबाब की अंदर की चीज़ ने ये चिकन के कबाब डाले हुए, ये हरीसा की जो है ना ऑथेंटिक रेसिपी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम तो अब इसके साथ नान खा रहे हैं, इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं ना? क्यों? तो अब कुछ डिशेज होती हैं जिनके साथ ना कॉम्बिनेशन ही नान का होता है। अच्छा, मैं मान लूँ कि नान कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें नान के साथ भी अच्छी लगती हैं। बट साहब, ये तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं फारसी से गया थी। नहीं, आपने उर्दू में ही कहा था। अच्छा, ये जो इसमें देसी घी का इन्होंने तड़का लगाया हुआ है, ये कैसा लगा आपको? देखो, देसी घी खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कंज्यूम करना भी काम है। ये खाओ, हर चीज़ खाओ, हर सीज़न में खाओ, लेकिन वर्जिश, उसकी कंजम्पशन साथ होनी चाहिए, वरना ये आपको नुकसान देगा दुनिया की हर चीज। हाँ जी, काश आपको भी ये बात समझ आए कि वर्जिश भी करनी होती है। या तो आपके मुँह से ना वर्जिश वाली बातें, सेहत वाली बातें अच्छी नहीं लगती। आप बट है ना असल में, घर का बट दाल बराबर किया हुआ तुम लोगों ने। घर का बट नहीं, घर की मुर्गी होता है, बट नहीं होता। नाजरीन, यहाँ का कश्मीरी हरीसा मुझे तो बहुत ज्यादा लजीज लगा और बट साहब से यहाँ से दो चार नान खाए बगैर तो जाने वाले है नहीं। आप भी यहाँ आकर एक दफा जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। यार मैंने पैक करा के देना है, इधर ही खा के जाएंगे आप। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताएं। वैसे तो कराची के हवाले से हमें मालूम है, सड़कें टूटी फूटी हैं, हालात ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह शुदा है। इस वक्त आपको कराची यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से अपडेट करें, जहां पे सिवरेज का पानी एक रैली की शक्ल में बहने लगा है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम यूनिवर्सिटी रोड कराची के, जहाँ पे सिवरेज का पानी पाइप लीकेज की वजह से एक रैली की सी कैफियत इख्तियार कर चुका है और यहाँ पे लोगों का जो गुजरना है वो मुश्किल हो चुका है। इस वक्त दुआ अब्बास हमारे साथ, हमारी कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या अपडेट करेंगी। दुआ, एग्जैक्टली बताइए कहां पे हैं आप और क्या बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, लोगों को गुजरना मुश्किल हो चुका है यहां पे? जी, जैसे मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूं और ये वो रोड है जो कि नीपा से सफारी पार्क की जाने जाता है। यहाँ पे जो है सीवरेज की एक लाइन टूट गई है, पाइप लाइन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे गुजरने वाला ट्रैफिक है उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और हमने देखा कि ये जो यूनिवर्सिटी रोड है ये काफी अहम रोड है। यहाँ से अक्सर जो वो अफराद है जो कि अपने ऑफिस की तरफ जो है आमदरफ्त करते हैं, वो इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं, इंतजाम करते हैं। उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल है, ट्रैफिक को बर्दाश्त की सूरत से जो है गुजरना पड़ा है। दूसरी तरफ हमने पहले से ही देखा था ये जो यूनिवर्सिटी रोड है ये काफी मसला हाली का शिकार थी और यहाँ पे पहले से गड़े मौसम की सड़क से काफी उजड़ी हुई है। खासतौर पर वो तो दुआ आप ये भी बताइएगा कि कब से ये पानी जो है यहाँ पे पाइप लीकेज की वजह से रेले की शक्ल इख्तियार कर चुका है और दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से इस पे कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि इस पानी का कोई हल निकाला जाए, जो पाइप फटा है इसका कोई हल निकाला जाए? जी, गुज़िश्ता रोज शाम के औकात से जो है यही सूरत हाल बरकरार है। यहाँ पे पानी ऐसे यहाँ पे जमा है सड़क पे कि जैसे माने की कराची में दोबारा से जो है वो बारिशें होना शुरू हो गई है और पानी काफी दिनों की बारिश के बाद जो है जमा हो जाता है, लेकिन इंतजामिया जो है वो सड़कों से गायब है। तो हमेशा जो सूरत हाल होती है वही इस वक्त भी है, कोई मुनफरिद सूरत हाल नहीं है। अभी भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो इंतजामिया है वो हमें सड़कों पर किसी किस्म के इंतजाम करके दिखाई नहीं देती और यहाँ पे भी अभी शहरी जो है अपनी मदद आप के तहत जो है वो जा रहा है, जिसकी सबब यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ट्रैफिक हादसा के खदशात में भी इजाफा हो रहा है। ये वो सड़क है जहाँ से ना सिर्फ छोटा ट्रैफिक बल्कि बड़ी से हैवी व्हीकल है वो भी यहाँ से गुजरती है, जिससे वो मोटरसाइकिल सवारों की जो जान है वो मजीद जो है सस्ते पड़ रही है और इन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद हम जो रोड है वो मुतासर होना भी सकता है, लेकिन इंतजामिया कहीं भी किसी किसी इंतजाम। दुआ, अगर एक बार फिर आप हमारे देखने वालों को जगह के हवाले से बताएं, एग्जैक्टली ये कौन सा मकाम है जहां पे ये वाकया पेश आया है और साथ साथ आपने चूंकि ट्रैफिक का भी जिक्र किया, तो क्या इस वक्त ट्रैफिक बावजूद पानी के रवां दवां है या रुकी है और लोगों को मुश्किलात का सामना है? जी देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी रोड है और नीपा से सफारी पार्क तक जो है ये पूरा जो ट्रैक है ये शदीद मुतासिर हो रहा है। यहाँ पे पानी सीवरेज का मौजूद है और काफी बड़ी मिकदार में, भारी मिकदार में पानी सीवरेज का यहाँ पे मौजूद है। ट्रैफिक की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक दवा दवा रखने की कोशिश की जा रही है। हर पर तारक के सुबह का औकात है और यहाँ पे अभी सब अपनी दफातर का रुख कर रहे होते हैं। इस वक्त सबकी यही कोशिश है कि वो जल्दी जल्दी यहाँ से जो है इस सड़क को पार कर लें, लेकिन इसके बावजूद अब तक यहाँ की ट्रैफिक जो है वो कतार की सूरत से गुजर रहा है। ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल है वो इससे कबल भी हमने देखा यूनिवर्सिटी रोड की काफी मसला हाल का शिकार थी और ये सूरत का शिकार भी थी, जिसके सबब अब यहाँ पे पानी जमा हो गया तो खड्डों का तारीफ करा काफी। ठीक है दुआ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। दुआ अब्बास नुमाइंदा आगाह करी थी इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड कराची की सूरत हाल है। वैसे ये एक जगह के मनाजिर हैं, पूरा कराची ही तकरीबन ऐसा है और आप जहाँ पे भी चले जाएं, वैसे बारिशों में तो ये मनाजिर हम देखते ही रहते हैं, लेकिन अदर दिन रेन चूंकि सिवरेज का निज़ाम इतना बोसीदा, इतना सड़गल चुका है कि अब सूरत हाल यही हमें नज़र आती है। सड़कों के ऊपर सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, तवज्जो नहीं है यहाँ पे कोई अथॉरिटीज़ और बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से ये मुश्किलात हैं, इनका हल भी फिलहाल होता नज़र नहीं आता। बहरहाल हमारा काम है पॉइंट आउट करना, सो हमने आपको बताया कि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर ये सूरत हाल है। ब्रेक लेंगे। लायक एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कुशलाक बाईपास के हवाले से, जहां पर पुलिस ट्रक के करीब एक धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले, और पुलिस के मुताबिक इस धमाके में 10 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कुछ अफराद के जांबक होने की भी, यानी कि जानी नुकसान की भी इतलात हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं और वही रिपोर्ट कर रहे हैं जांबक होने वाले अफराद के हवाले से भी, उनसे तफसील जान लेते हैं। अकरम, इतलात ये है कि जानी नुकसान भी हुआ है, इसमें यह क्या वाक़या है और कितना जानी नुकसान हुआ है? जी हाँ जी इमरान, ऐसा है अब से कुछ देर कवर जो है कोयटा का इलाका है, बलेली चेकपोस्ट इसके साथ कुचलाक बाईपास एरिया, यहाँ पर जो है पोलियो का ट्रक बाकायदा तौर पर कुचलाक और अतराफ के एरिया में जो है ड्यूटी पर मामूर होने के लिए लोगों को, जवानों को लेकर जाया जा रहा था, जिस पर ट्रक के पर एक जोरदार धमाका किया, जिसके नतीजे में 2 लोग इसमें जो है जांबाक हो चुके हैं और 22 के करीब जो है इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से जो DSP हैं सिक्योरिटी इंचार्ज थे आशिक हुसैन, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो खुद जो है इस ट्रक को लेकर जा रहे थे अपनी निगरानी में, जैसे ही कुचलाक बाईपास के करीब पहुंचे हैं तो एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो है 22 पुलिस एहलकार इसमें शदीद जख्मी हुए हैं और जिसमें जो गाड़ियां थी करीब की गाड़ियां उसमें जो है वो भी थे। अब मैं आपको बताता हूं कि DIG कोयटा भी यहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी मीडिया से जो इस वक्त बात करना चाहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि DIG कोयटा भी स्पॉट पर। सर क्या सूरत हाल बनी धमाका था और मजीद क्या डिटेल है? एक मिनट सब तमाम आ जाए, स्कूल तो नहीं आ रहे यार, तुम्हारा तो कैसे लेके जाऊँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज का ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट जो है वो क्वेटा में हुआ है और पोलियो की कैंपेन चल रही है और उसकी ड्यूटी के लिए पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तो एक ट्रक है हमारा पुलिस का जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये इस्टेब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ी हुई है और इसके नतीजे में जो है वो ट्रक जो है पुलिस का वो टॉपल हुआ है और वो फिर जाके खाई में गिरा है, जिसमें खाई में गिरने की वजह से जो है वो पुलिस का जो नुकसान है, जिसमें हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसमें टोटल जो है 3 गाड़ियां इसके जद में आई हैं, एक पुलिस की ट्रक है, एक इमरान खान कार है और एक जो है वो करोला कार है। तो टोटल जो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं वो एक पुलिस का जवान शहीद है, जो ट्रक टॉपल होने की वजह से जब गिरा है तो वो जवान उसके नीचे आया है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है, बाकी तमाम इंजर्ड हैं। पुलिस के तकरीबन 20 के लगभग एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 सीरियस हैं और बाकी जो है उनको चोटें जो है वो कम हैं, क्योंकि ट्रक टॉप है उसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। सिविलियन साइड से भी तकरीबन 4 जो हैं वो ज़ख्मी है और वो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सर कितना किलोग्राम बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ था? ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, कि जैसे ने ट्रक को टॉपल किया है तो वो प्रॉबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। अच्छा ये बताइए कि पोलियो के लिए टीमें डिप्लॉय हो रही थी एहलकार को रास्ते में, आप क्या कह रहे हैं? एक सिक्योरिटी थ्रेड भी जारी हुआ था इस वाले से, क्या? जी ये मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये पोलियो ड्यूटी के लिए ट्रक जा रहा था और सिक्योरिटी तो देखें थ्रेट्स तो हर वक्त है और बिल्कुल, लेकिन ड्यूटी है एक, वो भी एक नेशनल कॉज है और उसके लिए पुलिस जो है वो हमने डिप्लॉय करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसिडेंट्स जो है वो माजी में ऐसे हुए हैं पोलियो टीम्स के ऊपर, तो हमारा मिशन है कि हम को एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो उस सिलसिले में ही जो है ये डिप्लॉयमेंट के लिए हर टीम के साथ जो डिप्लॉयमेंट है हमारी, उसके लिए इस नफरी को जो है वो हम मूव कर रहे थे। तो ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसमें यह है कि ज़्यादा जो है वो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी मूव को मजीद इन फ्यूचर जो है वो सिक्योर बनाएं। सर आपने बताया कि पुलिस की ड्यूटी के लिए जा रहे थे, क्या पोलियो के एहलकारों की गाड़ियां भी आसपास थी? नहीं, इसमें उनकी गाड़ियां अभी यहाँ नहीं थी, ये हमारी जो है वो पॉइंट डिप्लॉयमेंट होती है और ये तो अभी आप देख रहे हैं कि रोड है, तो ये कोई कैंप वैम्प नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो है गाड़ियाँ या उनकी जो बाइक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर नहीं है। थैंक यू। डीआईजी क्वेटा जफर सर इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तफसीलात इस वाक़े की बताते हुए उन्होंने कहा कि एक ट्रक जिसमें पुलिस एहलकार सवार थे, तकरीबन 20 के करीब पुलिस एहलकार इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1 पुलिस के एहलकार के शहीद होने की इतला डीएसपी साहब ने डीआईजी साहब ने दी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक रिक्शे के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव मौजूद था जिसके टकराने की वजह से इतला है और खुदकुश भी हमला इसको कहा जा सकता है। हमारे साथ मोहम्मद अकरम चूंकि मौजूद है। अकरम, हमने सुना डीआईजी साहब ने जो तफसीलात बताई, मजीद हमें आगाह कीजिए, आप जो कि ऑन ग्राउंड मौके पर मौजूद है, आप क्या देख रहे हैं और क्या अपडेट्स है मजीद? जी बिल्कुल ऐसा है इमरान, कुछ देर कबल जो है ना एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में जो हम अभी ऑन ग्राउंड देख रहे हैं स्पॉट पर जो है ना ट्रक को बाकायदा तौर पर कंटेनर की मदद से उठाया जा रहा है, जिसमें बीसी के जवान, ये बीसी का ट्रक था जो पोलियो की टीमों को जो है वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो एक जोरदार धमाका हुआ। आपसे कुछ देर कबल डीआईजी क्वेटा जो है असफर मैसर ने भी मीडिया से जो बातचीत की है उन्होंने कन्फर्म करते हुए बताया कि धमाका जो है खुदकश हो सकता है। ताहम इस हवाले से मजीद जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसमें जो आम राहगीर थे वो भी उसमें जो है जख्मी हुए हैं और धमाका जो है खुदकश उन्होंने जो है जाहिर किया है। डीआईजी क्वेटा ये कहना था, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेड थे उसके हवाले से भी सिक्योरिटी को टाइट किया गया था क्योंकि ये कुचलाक बाईपास रोड है, क्वेटा शहर से दूर है। यहाँ पर जो है ना बाकायदा तौर पर जो पुलिस के जवान थे, करीबी इसके बलेली चेकपोस्ट भी, यहाँ पर फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया जाता है। तो जैसे ही ये पुलिस का ट्रक यहाँ पर पहुंचा है तो उस पर एक जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 22 लोग इसमें जख्मी हुए और 2 लोग जो है इसमें शहीद हो चुके हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, उस बुलेटिन में भी आपको आगाह करते रहेंगे। नहायत ही अफसोसनाक वाक़ा है क्वेटा के हवाले से हम आपको बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें हमना खालिद आज हमें दिखा रही है पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस म्यूजियम में क्या है, देखते हैं आज का सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। आज थोड़ी डिफरेंट जगह पे हूँ जो कि पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जिसमें डिफरेंट किस्म के, यानी ये मैं छोटे होते आई थी, आज मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे बहुत पहले याद है कि ट्रिप्स आती थी बचपन में, अब भी आती, तो उस टाइम मुझे भूल गया। जब मुझे आज मेरे प्रोड्यूसर ने कहा हमने यहाँ जाना है तो मैंने कहा यार अब ज़रा मैं अपने जो है ना मेमोरी वापस लेके आऊँगी और बल्कि आज ज़्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि एनिमल्स यानी स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया। तो बचपन में मुझे इतना याद था कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी डायनासोर देख के और बस यहाँ तक का मुझे अपनी एक्साइटमेंट याद है। लेकिन आज थोड़ी डिटेल में जाएंगे, थोड़ी हिस्ट्री जाएंगे, मेरे साथ होंगी और वो मुझे बताएंगी, सब गाइड करेंगी कि ये किस तरह से है, पाकिस्तान बनने से पहले है, बाद में है, किस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया एनिमल्स को। तो ये सारी हिस्ट्री आज हम लोग जानेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे, तो आइए चलते हैं। ओके जी, इस टाइम मेरे साथ आमना है और मैं उनसे ही पूछूंगी बेसिकली उनका क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या आज एक्सप्लेन करने जा रही हैं और क्या क्या हिस्ट्री है, कब ये म्यूज़ियम जो है बेसिक इसकी जो है रूट्स स्टार्ट हुई थी क्योंकि पाकिस्तान का ओनली वन एंड ओनली है म्यूज़ियम, तो नेचुरल म्यूज़ियम। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और सबसे पहले ये बताएं कि आपकी यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है? ओके, बेसिकली यहाँ पे 3 डिवीजन्स हैं और एंड आई एम सीनियर स्केलेटन प्रिपरेटर फ्रॉम द जोलॉजिकल साइंसेज डिवीजन। ओके, तो ये म्यूज़ियम हमारे पास 1976 में इसकी बुनियाद रखी गई थी एक ऑर्डिनेंस के तहत और फिर ये कुछ अर्सा ये हमारे पास F7 में रहा था, वहाँ पे एक बिल्डिंग में हमारा ये म्यूज़ियम था। उसके बाद हमारे पास 1991 में हमारे पास ये बिल्डिंग शकरपड़ियाँ गार्डन एवेन्यू में शिफ्ट की गई है। करंटली एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसके कुछ ब्लॉक्स अभी बनना बाकी हैं और 2 ब्लॉक्स जो हैं वो तामीर हो चुके हैं। तो हमने इन्हीं 2 ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए इसका पाकिस्तान का वाहिद, जिस तरह से आपने बताया, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जहाँ पे हम प्लांट्स, एनिमल्स और फॉसिल्स को कलेक्ट भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, प्लस आगे से उसकी डिफरेंट जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो भी इधर से कंटिन्यू होती हैं। तो सबसे पहले आप हमें में है मेरे ख्याल में डायनासोर जो कि आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में थे कि नहीं थे। ओके, बेसिकली हमारे म्यूज़ियम में काफ़ी सारी आपको गैलरीज मिलेंगे, डायरामास मिलेंगे और आपको एग्जिबिट्स मिलेंगे जिसके थ्रू हम लोग पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं और हमने जितनी भी कंजर्व की हुई है स्पीशीज़ उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इस वक्त आप जिस गैलरी में खड़े हैं इस गैलरी का नाम है डायनो गैलरी। डायनासोर्स के एज सच फॉसिल्स तो हमें पाकिस्तान से नहीं मिले हैं, लेकिन बेसिकली ये क्रेटेशियस एरा में हमारे पास आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं फॉर पब्लिक, साथ में हमारे पास गाइड्स भी होते हैं जो कि विजिटर्स को गाइड करते हैं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। सो हमारे पास क्रेटेशियस दौर में हमारे पास डायनासोर्स आए थे और जुरासिक दौर में हमारे पास, लेट जुरासिक में हमारे पास ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट वन इज़ एलिफेंट, जिसकी मैंने प्लान किया हुआ था कि ना मैं क्लोजिंग इसके साथ ज़रूर दूंगी, लेकिन इसकी हिस्ट्री आप बताएं ताकि मैं क्लोजिंग में बता सकूँ। ओके, हमारे पास जो है आपको पता है कि एशिया में हमारे पास ऑफ कोर्स एलिफेंट्स भी थे, अब इतने ज़्यादा एलिफेंट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ जूस तक लिमिटेड हो गया, लेकिन हमारे पास फॉसिल्स हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे पास एशिया वाज अ होम ऑफ एलिफेंट्स, राइट। तो ये हमारे पास एलिफेंट है और ये हमारे पास इस्लामाबाद जू से मिला था। असल में हमारे, मैंने आपको जिस तरह से बताया, म्यूजियम का काम होता है कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। अब डिपेंड करता है हमारे पास उस एनिमल की सिचुएशन में हम जिस कंडीशन में हम इसको रिसीव करते हैं। आपको मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो आपको एलिफेंट का स्केलेटन भी मिलेगा, राइट। और ये एलिफेंट हमारे पास, इसको हमने स्टफ्ड फॉर्म में प्रिजर्व किया है। तो बेसिकली दिस फील्ड जिसमें हम इसको स्टफिंग करते हैं, इसकी ओरिजिनल कंडीशन में इसको प्रिजर्व करते हैं, इस फील्ड को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं, जिसमें हमारे पास साइंटिस्ट्स होते हैं, इसको प्रॉपर इसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के, एक पूरा आर्ट है। जब कभी आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी स्टफिंग होती है, स्टिचिंग होती है, फिर इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला के इसको खड़ा करते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे। यहाँ साथ में हमारे पास राइनो हैं, ये हमारे पास जो है लेटेस्ट एडिशंस हैं। ये हमारे पास नेपाल ने हमें गिफ्ट किए थे दो राइनोज, जो कि हमारे पास बहावलपुर के जू में थे। वन आफ्टर अनदर अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई और ये ब्रीड भी नहीं कर सकते, तो एक को हमने इसकी ओरिजिनल फॉर्म में स्टफ़ किया और दूसरा जो लेटेस्ट हमारे पास एडिशन है जिसका स्केलेटन बना है, वो हमारे पास राइनो का स्केलेटन बना है। सो ये हमारे पास, ये क्रेडिट सारा म्यूजियम को जाता है कि हम इन एनिमल्स, इन स्पीशीज़ को ज़ाया होने से बचाते हैं, उन्हें किसी न किसी फॉर्म में प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि अब मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के पास हैं और इसमें से जिनके आगे मैं खड़ी हुई हूँ, ये ज़्यादा मुझे तो नॉर्थ में पढ़ाई में मैंने देखा और सुना और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मार्खोर, और मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे जीबी में कहीं मिला नहीं, तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन आप करेंगे। बिल्कुल, हमना ये हमारे पास ठंडे इलाकों में पाया जाता है, हिमालयाज, अपर हिमालयाज, गिलगित बल्तिस्तान में आपको ये मार्खोर मिलेगा। मार्खोर आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल है, राइट। मार्खोर के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये पर्शियन वर्ड से इसका नाम डिराइव हुआ है। मार का मतलब होता है सांप और खोर का मतलब होता है खाना। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि मार्खोर जो है वो सांप खाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है मार्खोर पड़ा। बट एविडेंसेज ये प्रूव करते हैं कि मे बी इसके जो ये आपको ये सींग नज़र आ रहे हैं, या तो ये सांप की तरह है, इसके जो आपके पंजे नज़र आ रहे हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ये कहते हैं ये उसको सांप को जो है ना इससे कुचल देते हैं, इसलिए भी इसको मार्खोर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इस पर जोलॉजिस्ट जो है लेकिन बेसिकली इसके नाम का मतलब यही होता है कि इट्स अ स्नेक ईटर। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले ये सारे एनिमल्स हमारे पास पाए जाने वाले, ये हमारे पास यॉक है, ये भी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और सारे ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये हमारे पास बार्किंग डियर है, ये हमारे पास ब्राउन डियर है, वुल्फ है, ये हमारे पास लेपर्ड्स हैं। ये सारे पाकिस्तान के एनिमल्स हैं जो कि हमारे पास पाकिस्तान की आइडेंटिटी को शो करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ये हमारे पास परिंदों की दुनिया, यहाँ पे आपको पास वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स में सारे पाकिस्तान के जो बर्ड्स हैं ये नज़र आएंगे, प्लस बहुत सारे हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि सीज़न में आते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चकोर पैट्रिज आपको नज़र आएगा, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, राइट, और इसको भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। साथ हमने आगे इनके एग्स और इन सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, मुझे आमना देख के लग रहा है कि ये कोई वेल है और ब्लू वेल मैंने डिस्प्ले में पढ़ लिया था और इसका ये स्केलेटन है, राइट। जी हमने, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, हमारे पास ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है जो म्यूज़ियम ने प्रिजर्व रखा हुआ है। एक म्यूज़ियम का ब्लू व्हेल का जो स्केलेटन हमने बाहर डिस्प्ले किया हुआ है और दूसरा ये बेबी ब्लू व्हेल है जिसका हमने स्केलेटन अंदर जो है वो रखा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके बारे में एक अच्छी मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो कि हमारे पास दुनिया में अभी तक डिस्कवर हुआ हुआ है, हम लोगों ने देखा है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास अभी ये एक्सटिंक्ट नहीं हुई, ये हमारे पास जो है एक्सटिंक्ट स्पीशी है। 10,000 से 25,000 तक स्पीशीज़ अभी भी इसकी दुनिया में मौजूद है। तो अगर अब हम अपने माहौल को और इन स्पीशीज़ का ख्याल रखें तो ये हम इनको मज़ीद जो है वो दुनिया से ख़त्म होने से बचा भी सकते हैं। इस टाइम मैं जहाँ पे होना जेम्स एंड मिनरल्स यानी मेरा फेवरेट स्टोन्स का कॉर्नर है, जिसका मुझे मेरा पर्सनली बिलीव है कि अपने स्टार्स के लिहाज से आप जो भी स्टोन पहनते हैं वो आपकी नेचर और आपके हालात पे बड़ा डिपेंड करता है। तो ये आपका बिलीव है, ये मैंने इनसे कहा पूछूंगी, लेकिन फ़िलहाल आमना मुझे बताएंगी कि कौन कौन से जो स्टोन्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम ना ये हमारे पास जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान का डायरामा है और हमारे पास अर्थ साइंटिस्ट हैं। हम मैं इनको हैंड ओवर करूँगी, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सारे स्टोन्स के बारे में भी और आपके जो बिलीव्स और डिसबिलीव्स हैं उनके बारे में भी। ठीक है, ओके, वालेकुम सलाम। मेरा नाम तस्वुर हयात है और मैं एज ए रिसर्च एसोसिएट पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अर्थ साइंस डिवीजन में काम कर रहा हूँ। ये डायरामा मिनरल्स एंड जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान है। जेम्स और मिनरल्स जो इग्नियस रॉक है वहाँ से हमें मिलते हैं। जेम्स वैरायटी मिनरल्स की होती है जो कि प्रेशियस या वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान का नेशनल स्टोन जो है वो एमरल्ड है जिसकी वैरायटी ग्रीन कलर में आती है और पाकिस्तान में स्वात से माइन किया जाता है और दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा हमारे पास एमेथिस्ट जो कि पर्पल वैरायटी में है वो जो है हमारे पास डिस्प्ले में है और ये पर्पल वैरायटी शिगर वैली से जो कि स्कर्दू में है वहाँ से मिलते हैं। मैं अगर आपकी बात काटूँ और जो डिस्प्ले में मैंने ना जब मैंने नीचे कोहिनूर देखा और साथ ही ऊपर डायमंड देखा तो मैंने कहा ओह यार ओरिजिनल यहाँ पे, लेकिन साथ ही लिखा हुआ था ब्रैकेट में रेप्लिका, तो मुझे इसका सबसे पहले बताएं वो सबसे ज़्यादा आई कैच। कोहिनूर जो है ये रेप्लिका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स। डायमंड जो है वो ना सिर्फ वो अपनी क्लैरिटी और क्रिस्टल शेप की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। पाकिस्तान में ऑल्दो जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे जो कोहिनूर था वो यहाँ से चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे रेप्लिका की फॉर्म में हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा ये कुछ शाइन सा कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये गोल्ड है, लेकिन शाइन तो कर रहा है, गोल्ड नहीं लग रहा, मेटल लग रहा है, लेकिन ये क्या है ये आप एक्सप्लेन करें। जी ये जो है ये कॉपर की ओर है। पाकिस्तान में कॉपर जो है वो सेंडक और जो है ना रेकोडिक वहाँ पे पाया जाता है। कॉपर जहाँ पे भी होगा वो गोल्ड उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो पाकिस्तान में जो और दुनिया में भी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रपोज्ड गोल्ड की जो माइन है दैट इज़ रेकोडिक, जो कि अभी उसकी हमने एक्सप्लोरेशन करनी है। और ये कहाँ पे किस शहर में? बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में है। और ये कॉपर जहाँ पे भी पाया जाता है, कॉपर की जो शेप है ये मेटल्स है। कॉपर मेटल्स पाकिस्तान में कॉपर के अलावा आयरन भी है और मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो मलेएबल होते हैं, यानी कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस कॉपर को हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज़ करते हैं। प्रोग्राम की क्लोजिंग मैंने खुद डिसाइड कर ली हुई थी क्योंकि मैंने कहा था कि एंड जो होगा वो मेरे बैकग्राउंड पे जो कि बहुत फेमस एक एलिफेंट था हमारे इस्लामाबाद के जू में जिसका नाम था रानी, और बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे और जू में बहुत ज़्यादा विजिट करते थे। लेकिन उसका अच्छा फ़ायदा ये हो गया कि जितने भी बच्चे हैं ट्रिप्स हैं यहाँ पे आते हैं और उसको प्रिजर्व करके यहाँ रखा गया है। तो मैंने कहा यार क्लोजिंग आज यहीं पे होगी। थैंक यू सो मच, मुझे पता आप लोग ने बहुत इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम उन लोगों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान का एजाज अपने नाम कर लिया है और एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल्स हों, 11 सिल्वर मेडल्स हों, 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हों, अपने नाम करके पाकिस्तान का परचम किस कदर बुलंद किया है। हम आपकी मुलाकात उन लोगों चंद लोगों से करवा रहे हैं। तमाम मेडल जी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में होने वाली 6ठी साउथ एशियन कैडेट जूनियर अंडर 21 और सीनियर कराटे चैंपियनशिप में तमाम तर मेडल्स अपने नाम किए हैं। बिला ताखीर हम आपकी मुलाकात इन चंद हीरो से करवाते हैं और सबसे बेस्ट बात यह कि तीनों लड़कियां हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जी आरजू हजारा मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, मागुल भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल किया, और हिना हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। तीनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मागुल है। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हमारे पास हिना और आरजू भी हैं। आप दोनों कैसी हैं जी? आप दोनों कैसी हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक ड्रिल हमने समझाई थी ना, अभी तीनों हमारी प्लेयर उस ड्रिल के ऊपर हैं बिकॉज ये कराटे की तो गोल्ड है लेकिन यहाँ पे जरा हम इनको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं बातों से। खैर स्टार्टिंग विद यू हिना बिकॉज आप सेंटर में बैठी हैं, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। और आप चूंकि सिल्वर मेडलिस्ट हैं, डबल सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आपने जीता है। स्टार्टिंग विद यू, यू बिलोंग टू रावलपिंडी, कैसे ये सफर शुरू हुआ और अब तक क्या क्या खेल चुकी हैं आप, एंड देन हम दोनों बाकी अपनी गोल्ड मेडलिस्ट से भी बात करेंगे। पिंडी से बिलोंग करती हूँ और मेरा डिपार्ट पाकिस्तान आर्मी है। मैं पाकिस्तान आर्मी को पिछले 11 साल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और नेशनल चैंपियन हूँ। अच्छा। अभी हाल ही में हमारी नेशनल हुई जिसमें मैंने लाहौर में गोल्ड मेडल लिया। उससे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने मेरी सिलेक्शन की और हमने साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मागुल, आप भी अपनी अचीवमेंट के हवाले से बताएं और आप किस डिपार्टमेंट से खेलती हैं और किस तरह से आपका ये जर्नी रहा। मेरा नाम मागुल है, मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग करती हूँ और डिपार्टमेंट मेरा आर्मी ही है। मैं नेशनल चैंपियन हूँ और उसी नेशनल चैंपियन के बेस पे मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर है जिसमें मैंने एक गोल्ड लिया, एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अच्छा वाह। अब हम आते हैं आरजू की तरफ। आरजू, आप भी हज़ारा और बलोचिस्तान से आपका भी ताल्लुक है। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें ये कि आप इतने ये बैकवर्ड एरियाज़ ही हैं, वहाँ से आप लोग आते हो और दुनिया भर में आप पाकिस्तान को न सिर्फ रिप्रेजेंट करते हो बल्कि एजाज़ भी जीतते हो। तो आरजू, आपने किस कैटेगरी में परफॉर्म किया और क्या जीता आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जूनियर कैटेगरी में परफॉर्म किया और मैंने गोल्ड मेडल हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा काते भी हुआ इंडिविजुअल काते और उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल की और टीम काते में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। तो मुकाबला किससे था आपका? मेरा मुकाबला इंडिविजुअल फाइट में इंडिया के साथ हुई और मैंने इंडिया को हराया। जबरदस्त, ये तो फिर डबल ट्रीट हो गई हमारे आपने हाँ ना। अच्छा अगर ये बताएं आप तीनों के ऑब्वियसली आप लोगों ने इतने मेडल्स जीते हैं दीगर टीम्स के हवाले से और यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पे आप गए हो, हमने हज़ारा की बात की है, आपने भी जिस तरह से बताया कोयटा से रावलपिंडी, कोयटा, इन इलाकों मुख्तलिफ इलाकों से आप लोग गए और आपने रिप्रेजेंट किया है। सो कैसा एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कराटे को लेकर खेलना और वहाँ पे परफॉर्म करना? मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से हम लोग वहाँ गए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हम लोग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मेंबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे पर हम लोग गर्ल्स में सिर्फ 4 लोग गए थे क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और हमारे आर्मी डिपार्ट ने हमें बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से हम लोग आर्मी से 4 लोग गए थे। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो इसी के लिए बना हुआ है मागुल के वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करे। आपको सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ये जो हम लोग गए थे हाल ही करंट इवेंट में सिर्फ आर्मी ने हमें सपोर्ट किया। That's very poor, हम that's very bad. शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, हम आपके डिपार्टमेंट को सराहते हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं आया। जी जी बोले। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के मेंबर्स की तरफ से कोई भी हमारे वेलकम के लिए भी नहीं आया। This is very, very unfortunate. हम लोग कितने मेडल लेके पर फिर भी कोई हमारे वेलकम के लिए नहीं आया। आप हमारे हीरो हैं, आपको दिलो जान से वेलकम है। आप तीनों हमारा फ्यूचर है और आप पे हमें बहुत फखर है, आपके वालिदैन पे और आपके कोचेस पे हमें फखर है। आप इसी नेशनल टेलीविजन पे, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो आपको वेलकम करते, उनको शर्म आनी चाहिए यकीनी तौर पर। आगे बढ़ते हुए अब आप ये बताइए, हमारे पास टाइम कम है, फ्यूचर में क्या इरादे हैं आपके? स्टार्टिंग विद मागुल, क्या इरादे हैं, क्या खेलने जा रही हैं, क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में यही प्लान है, अगर हमें और सपोर्ट मिलेगी तो हम अपने पाकिस्तान को और अच्छी लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और मैं अपने कोचेस का, अपने टीचर का, सेंसी गुलाम अली हज़ारा हमारे कोच जो है सर इम्तियाज, प्रेसिडेंट ऑफ कराटे सर मोहम्मद जहांगीर, जनरल सेक्रेटरी संधू और चीफ ऑफ रेफरी नसीम कुरैशी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें किसी और मुल्क में। बेशक आपके लिए डेफिनेटली बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आरजू, आपका क्या प्लान है, आगे क्या करना है फ्यूचर को लेके? कोई ऐसी चैंपियनशिप जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहो? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम रोशन करूँ और मैं अपने उस्तादों और डिपार्टमेंट और कराटे फेडरेशन की बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी। और है ना, इन दी एंड यू वांट टू से, लोग तो डरते होंगे आपसे, भी कराटे खेलते हैं आप लोग, खौफजदा रहते होंगे आपसे, इन दी एंड है ना कुछ कहिए। हाँ, लोगों जब कोई हमसे पूछता है कि आपकी गेम क्या, तो हम बोलते हैं कराटे, तो फिर वो एकदम से बोलते हैं कि आप तो लोगों को मारती भी होंगी। पर ऐसा कोई नहीं है, मतलब कराटे एक स्पोर्ट इवेंट है जो हम बस, लेकिन वैसे कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत पड़ सकती है। सो इट्स गुड। थैंक यू वेरी मच आरज़ू, हिना और मागुल, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दें। आप बहुत जो बाहिम्मत लड़कियाँ और जिस तरह से आप अपने इलाकों से आके आगे जाके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करियो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और चैंपियनशिप जीते हम आपको बुलाते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड वंस अगेन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कब जागेंगे? आप कह कह के थक गए हैं, इतने जबरदस्त तीरों हैं, इतनी मेहनत करके मेडल्स जीत के आते हैं, आपको इतनी तौफीक नहीं होती, इनको वेलकम ही कर दें और तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब दिस इज शेमफुल, इससे बढ़ के और शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। खत्म कर देना चाहिए ऐसे महकमों को। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Superb. Wow, meet Kashan Heather, the violinist, the youngest violinist I believe. इनसे यंग मैंने violinist नहीं देखा, हाँ मैंने भी नहीं देखा, मिला नहीं मैं कम से कम। Kashan is with us और इनके साथ दुलदुल अब्बास मौजूद हैं। दोनों म्यूजिशियंस बच्चे आज हमारी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, और पसूड़ीन तो रंग लगा दिए भाई, मजे आ गए। कैसे आप दोनों? ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले तो Kashan ये बताएं कि आप वायलिन कब से बजा रहे हैं? 6 साल हो गए। मैं पैदा होते ही बजाना शुरू। किससे सीखा? मैंने अपने पापा से सीखा। अच्छा, पापा भी वायलिन बजाते हैं और म्यूजिशियन फैमिली है, सब लोग बजाते हैं। तो आप लाजमी तो नहीं होता कि अगर बाबा वायलिन बजाते हैं तो आप भी बजाएं, तो आपने इसका क्यों इंतखाब किया, क्या वजह है? मुझे शौक था इसका बचपन से। कहते हैं ये बड़ा ब्लाइंड मतलब साजीना होता है, इसमें मुश्किल होता है इसको सीखना, तो आपके लिए भी मुश्किल था या बस आ गया बजाना? मुश्किल है। और अभी आप सीख रहे हो? अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो हमारे साथ दुलदुल अब्बास भी मौजूद हैं, ये कजिन है इनके। सो आप कब से बजा रहे हो और इसको क्या कहते हैं? भाई हम नाम भूल जाते हैं बार बार, क्या है ये? इसको दरबुका कहते हैं और मैं इसको बचपन से बजा रहा हूँ। बचपन से बजा रहा हूँ आपका बचपन? इसकी जरा साउंड चेक कराएं थोड़ा। आप पूछे। अच्छा, तो अब ये आप किससे सीखा? ये खुद सीखा है, किसी से नहीं सीखा, कोई ट्रेनिंग नहीं ली और किसी को देखा या यूट्यूब पे देखा या किसी से सुना और फिर बजाना शुरू किया? कोई उस्ताद हैं आपके या खुद से ही प्रैक्टिस करते रहते? खुद से प्रैक्टिस। तो ये जो साज है ये अमूमी तौर पे अरब हम कहते हैं ना, थोड़ा इजिप्ट में या मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान में भी अब आ गया हुआ है। तो ये सही लगता है मतलब जो आप बैंड के साथ परफॉर्म करते हो या Kashan के साथ, सही मतलब चलें बजाय इसके कि हम बातें करें, हम जरा कुछ सुन लेते हैं आपसे और चाहते हैं कुछ और हमें आप सुनाइए अच्छा सा प्लीज। सुपर्ब, ओए होए होए क्या मैजिक है भाई, इस इंस्ट्रूमेंट की बात ही अपनी है और दोनों का कॉम्बो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, हमें बहुत ही मजा आया। इससे पहले कि हम साइन आउट करें, हम फिर चाहेंगे एंड पे कुछ सुनते जाएं, मेरे हमें इजाजत ले लेते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते कुछ भी छोटा सा ट्रीट फॉर लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज, काशान एंड दुलदुल।